बिग बॉस के घर में जहां इन दिनों पुनीश और बंदगी अपनी सारी हदों को पार करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं अब बेनाफ्शा सोनावाला और प्रियांक भी उन्हीं की राह पर चलने को तैयार हैं। जी हां, जब से बेनाफ्शा ने प्रियांक के साथ एक ही बेड शेयर किया है तब से घर में हंगामा समझ गया है। दरअसल रात को जब बेनाफ्शा और प्रियांक ने ये हरकत की थी तो पुनीश ने हितेन तेजवानी को आधी रात में उठाकर उनसे कहा कि प्रियांक और बेन एक ही बेड पे सोए हैं। सुबह होते ही प्रियांक और बेन की आधी रात की कहानी घर भर में आग की तरह फैल गई। लव त्यागी हितेन और बंदगी सुबह जब इस विषय पर बात कर रहे थे तो ये बात विकास गुप्ता के कानों में भी चली गई। इसके बाद तो विकास का गुस्सा सातवें आसमान पर था। विकास इतने गुस्से में थे कि उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर किसी ने उन्हें रात को जगाया होता तो वो प्रियांक को झापट लगा देते। एक अच्छे दोस्त का फर्ज निभाते हुए विकास ने प्रियांक को काफी समझाया, लेकिन प्रियांक तो प्रियांक है। विकास के समझाते ही वह अपनी इस हरकत पर पर्दा डालने की कोशिश में जुट गए। जब प्रियांक ने इस बात को बेनाफ्शा से साझा किया तो वो कहती है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है। यहाँ तक कि बेनाफ्शा मजाक में ये भी कहती हुई दिखाई दी कि जब लोग इतनी बातें कर ही रहे हैं तो उन्हें वास्तव में ये सब कुछ कर लेना चाहिए था। जिसके बाद प्रियांक बेनाफ्शा को अपने मुँह पर लगाम लगाने को कहते हैं। प्रियांक और बेनाफ्शा की बातें खत्म ही नहीं होती कि विकास वहाँ आते हैं और दोनों को इस बात की हिदायत देते हैं कि वो लोग नेशनल टेलीविजन पर हैं, इसलिए अपने आप को एक हद में रखें। वो प्रियांक को याद दिलाते हैं कि बेनाफ्शा उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है और बेनाफ्शा का घर के बाहर एक बॉयफ्रेंड है। वो बेनाफ्शा को कहते हैं कि बिग बॉस के घर के बाहर बेनाफ्शा के माता पिता हैं और वो एक रिश्ते में हैं। जिसके बाद बेनाफ्शा विकास पर गुस्सा होने लगती है तो विकास कहते हैं कि वो ये सारी बातें उनकी भलाई के लिए कह रहे हैं। हिना खान भी बेनाफ्शा को कहती है कि वो भी उन्हें समझा कर अब थक गई है, लेकिन बेनाफ्शा तो किसी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। फॉर मोर बॉलीवुड एंड पॉलीवुड अपडेट सब्सक्राइब आवर चैनल सवेरा स्टार टॉक।